जिस दिन जब ऐसे भी निकल रहा था, जैसे कांप रहा था ऐसे करके, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। मैं पेट्रोल पंप पे जॉब करती हूँ, उठा पा रही हूँ ऐसे जी। तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन सर से मिलकर और डॉक्टर जूही मैम से मिलके और डॉक्टर जीतू सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर हमारी ना आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ठीक नहीं थी, तो सर ने हमें तसल्ली दी कि आप पैसों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता। और सर ने हमें बहुत हिम्मत दी। बहुत जगह इलाज कराया, लगभग ESI में भी और दिल्ली में सफदरजंग में और शादी में खुगी पहलवान है वहाँ पर भी, और खोड़ा में एक डॉक्टर है जो पट्टियाँ करता है उससे भी। बहुत जगह इलाज कराया, हम इलाज करा करा के थक गए। मेरे हस्बैंड ने जहाँ भी ऑनलाइन भी और वैसे भी किसी ने जो भी बताया, हर जगह ले गए वो मुझे और सब जगह दिखाया, लेकिन कहीं से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। बहुत पैसे खर्च किए हमने, बहुत भाग दौड़ की। और फिर हमें फेसबुक पे हमने देखा सर का, जीतू मिश्रा, डॉक्टर जीतू मिश्रा जी ने आपका फेसबुक पे देखा, तो फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, यहाँ पे ले लिया। फिर हम यहाँ पर आए, सर से मिले, तो सर ने कहा कि बस पूछा हमसे सर ने कि कितने टाइम से आप परेशान हो, मतलब कैसे हुआ ये दर्द, कैसा। जब मैं आई थी तो मेरा हाथ ऐसे था और मैं हिला भी नहीं सकती थी अपना हाथ, बिल्कुल भी नहीं हिला सकती थी। रोड पे अगर ब्रेकर आता था तो मुझे पहले से ही एकदम, मेरा दिल एकदम सहम जाता था कि अगर ब्रेकर पे जाऊंगी तो मैं जान निकल जाती थी मेरी, ऐसी हालत थी मेरी। इस हाथ ने मेरे जीने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। फिर जब हम डॉक्टर जीतू सर से मिले करके भेजेंगे, तो पहले तो ठीक लगा, लगा नहीं कि बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि इतने दिन इतने टाइम से हम इधर उधर ठोकर खा रहे थे, जगह जगह दिखाया। लेकिन फिर जब सर ने बात की हमसे और फिर हमारी ना आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ठीक नहीं थी, तो सर ने हमें तसल्ली दी कि आप पैसों की परवाह मत कीजिए, क्योंकि लाइफ में पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता। और सर ने हमें बहुत हिम्मत दी ऐसे करके कि बिल्कुल भी हिल ना जाए। जैसे ही मेरी छुप लोग ऑटो वाले ना मेरे को जानने लगे थे, जब मैं ऑटो में बैठी थी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके, तो लोग ऑटो में बैठे थे, अरे मैडम अभी आपका हाथ ठीक नहीं हुआ, तो बड़ा फील होता था बहुत के ऐसी क्या चीज़ होगी, ऐसी क्या इलाज। इस हाथ के दर्द ने मेरे जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। जब इंसान खुद पर ही बोझ बन जाए तो उसे जीना नहीं चाहिए। मैं अंदर से बिल्कुल टूट टूट चुकी थी एकदम। मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरा जीना बेकार है, उठना बैठना लेटना बिना सहारे के कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं घर आती थी ड्यूटी से तो यूनिफॉर्म में ही सो जाया करती थी, क्योंकि मेरे से उतरती नहीं थी वो, और बच्चे भी हस्बैंड भी उतार नहीं पाते थे। जब मुझे अगले दिन फिर छुट्टी हो जाया करती थी, जब अगले दिन शाम को मुझे बहुत लगता था कि थोड़ा रिलीफ है, बहुत धीरे धीरे रो के कैसे तड़प के तब मैं अपनी यूनिफॉर्म निकालती थी, तब मुझे एक दो दिन छुट्टी। 4 साल में मैं, मेरे सर जो थे जहाँ मैं ड्यूटी कर रही हूँ उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वरना कहीं और होती तो शायद वो कब का निकाल देते मुझे। मैं पेट्रोल पंप पे जॉब करती हूँ, तो मुझे लगा शायद एक ही हाथ से रेगुलर मूवमेंट करते करते शायद मुझे दर्द हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये दर्द मुझे इस स्थिति में ले गया कि ना तो मैं सांस ले पाती थी, और तो ना मैं खांस सकती थी, ना मैं छींकने में मुझे डर लगता था कि अगर मुझे छींक आ जाएगी तो मेरी जान निकल जाती थी एकदम से। मुझे लगता था कि मैं क्या करूँ, एकदम छींक नहीं आनी चाहिए मुझे, ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी कि मैं क्या बताऊँ आपको। पर आपने मेरी जीने की इच्छा फिर से शुरू कर दी सर। ऐसा भी नहीं है, हम रोज करते हैं ऐसे, सबकी इच्छाएं रोज लाते हैं। नहीं नहीं सर, आपने, मैं लाइफ में कभी भूलूंगी नहीं, आप लोग मेरी जिंदगी में भगवान बन गए। हमने कुछ नहीं किया, बस इतना सबक आपके लिए। फिर आपने मुझे पैसों को लेकर भी बहुत सपोर्ट किया, आपने कहा कि राखी जी पैसे लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं होते, दुआएं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। पैसे तो इंसान जब उसके हाथ में हुनर होता है वो कमाई लेता है ना? लेकिन आपने पैसों की परवाह नहीं की, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी व्यूज आप लोग मत सुनना, ये मैं सबसे पैसे लेता हूँ, ठीक। मैंने सर को सिर्फ एक ही बार बोला कि सर मैं इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो सर ने कहा नहीं कोई बात नहीं राखी जी,
हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं, हम सबका इलाज मन से करते हैं, वैसे ही आपका भी करेंगे और आपको और उसे अच्छा टाइम देंगे और बहुत जल्दी हम आपको ठीक कर देंगे, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो पहले शुरू में मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं इतने साल से परेशान थी, सब जगह दिखाया मैंने, तो मुझे लगा कि औरों की तरह महसूस हुआ। लेकिन जब सर ने मुझे 2-3 दिन ट्रीटमेंट दिया तो बहुत अच्छा लगा, और जूही जी ने, डॉक्टर जूही जी ने मेरे को एक्सरसाइज अपने हाथ से कराई और अच्छे से सारी मूवमेंटें कराई मेरे को, तो मेरे को धीरे धीरे रिलीफ आना शुरू हुआ। तब मुझे लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये हाथ में ऐसे करके चलती थी तो तब भी मुझे डर लगता था, कोई पीछे से अगर मुझे कटोरी चम्मच गिरने की आवाज़ भी आ जाती थी मैं डर जाती थी ना, तो सबसे पहले यही दर्द होता था। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना हाथ ऐसे उठा पाती हूँ। और जब जिस दिन आए थे तब कितना था, जिस दिन जब ऐसे भी नहीं उठ रहा था, ऐसे कांप रहा था, ऐसे ऐसे करके मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड रास्ते में मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो जाओगी? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत ठोकरे खा के लगता है कभी कभी इंसान सही जगह पहुँचता है। तो वो मेरी सोच सही साबित हुई, सर ने बहुत साथ दिया, जूही मैम ने बहुत साथ दिया, तो आज हम यहाँ आ गए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चलो थैंक यू, चलो वीडियो बहुत अच्छी बन गई है। दोस्तों आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो ये जो मेमोरी है इनकी वो लोगों तक नहीं पहुँचेगी, जो गलतियाँ की हैं वो लोगों तक नहीं पहुँचेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।